गए जब सरकार किसानों की जमीन बेवजह ले लेती थी। अब किसानों की मर्जी के बगैर सरकार एक इंच भी जमीन नहीं ले सकती। प्रदेश की सरकार लुटेरी सरकार है। दिन के उजाले में इन्होंने सरकार लूट ली। क्या कहीं FIR दर्ज हुई? किसान नेता राकेश टिकैत रीवा पहुंचे। यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने उन्होंने पिछले 5 महीने से चल रहे आंदोलन को समर्थन देते हुए पत्रकारों से मिलकर बातचीत कुछ किस अंदाज में की, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लुटेरी सरकार, दिन के उजाले में इन्होंने सरकार लूट ली। क्या कहीं FIR दर्ज हुई? वह जमाना गया जब किसानों की जमीन बलपूर्वक ले लेती थी सरकार। अब एक इंच जमीन बगैर किसान की मर्जी के सरकार नहीं ले सकती। किसानों द्वारा लिए गए कर्ज की वसूली करने के लिए निजी कंपनियों को नियुक्त किया जा रहा है। ये लोग किसान की जमीन बलपूर्वक ले लेंगे, जिससे किसानों की आत्महत्या करने की संख्या बढ़ जाएगी। आगे आने वाली एक पीढ़ी को अब कुर्बानी देनी पड़ेगी। आगे आने वाले 20-25 साल कुर्बानी के साल हैं। इस सरकार का केवल एक मकसद है, देश को और गरीब करना। ये लोग पूरे देश की संपत्ति लूटना चाहते हैं, जमीन जबरदस्ती ले लेंगे, दान पत्र में लिखवा लेंगे। अब वह जमाना गया, इस सरकार से निपटने का एकमात्र उपाय आंदोलन है। हम आंदोलन और तेजी से करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने रीवा में कलेक्ट्रेट के सामने लगभग 5 महीने से चल रहे आंदोलन को समर्थन देते हुए ये बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। रीवा के कलेक्ट्रेट के सामने गुड़ जाने के पहले राकेश टिकैत प्रयागराज से आते हुए पहले धरना स्थल पर पहुंचे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश और केंद्र की सरकार पर जमकर साधे निशाने। आइए आपको सुनाते हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। आप भी एक देशव्यापी आंदोलन किए थे, देखो इसकी जानकारी पहले भी थी और यहाँ के लोग मिले थे, उन्हें ये बताया था और ये संयुक्त मोर्चे में इसकी जानकारी है। सरकारों को इसमें चिट्ठी लिखेंगे भी, सरकारों को पहले भी कहा, यहाँ से हर रोज रिपोर्ट जाती है अधिकारियों के पास, इनका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर कोई बीमारी आई है और उसका जो इनके जानवर थे वो सरकार ना मारे तो उनको मुआवजा दे दो किसानों को। वे मजदूर हैं, मिलना चाहिए इनको। इनको कोई खेती बाड़ी वो तो है नहीं, इनका यही काम था। ये पॉलिसी देश में है भी, जब इस पर लोन ये देते हैं और फार्म इसके खुलते हैं तो उसकी पॉलिसी है, तो अगर उसमें कोई बीमारी आई है तो इसका हर्जाना सरकार को देना। देश भर के किसानों की अपना लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी उस पर कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है मामले, तो क्या ये तो देखो जैसे देश आज़ादी की लड़ाई लड़ा, देश ने 90 वर्ष वो लड़ाई चली, ऐसे ही ये आंदोलन भी लंबे चलेंगे। अब संयुक्त मोर्चा बन गया, अब जहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो संयुक्त मोर्चे के बैनर पे उस आवाज़ को हम उठा सकते हैं। पहले ये आवाज़ बहुत दबाई जाती थी, आज हम सब लोग इकट्ठा है, वो चे मजदूर हैं, वो भूमिहीन किसान हैं, वो आदिवासी हैं, हम सब की समस्या उठाते हैं। और ये भी एक फार्म है, वो चे फिश फार्म हो या ये फार्म हो, जानवरों का फार्म है तो ये भी एक फार्म है, और ये भी कृषि उसमें ही आता है। इनका नुकसान हुआ, सरकार को इसका देना चाहिए और हम इसकी जोर शोर से आवाज़ फिर उठाएंगे। आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देंगे किसानों को? हमारा ये है कि MSP गारंटी कानून देश में बने, जो किसानों की जमीन जा रही है अभी बहुत स्पीड से किसानों की जमीन नीलाम होगी। जैसे सरकार एक कर्जा बढ़ाएगी, कर्जा बढ़ेगा उसकी जमीन गिरवी रखी जाएगी, कर्जा पटेगा नहीं, फसलों के रेट है नहीं तो उसकी जमीन नीलाम होगी। ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही और इनका 2047 तक जब देश 100वां वर्ष मना रहा होगा उस टाइम तक बड़े व्यापारी और सरकार और बैंक इनके पास में देश की 60-70% जमीन चली जाएगी अगर देश में आंदोलन नहीं होगा। आने वाला आंदोलन देश में जमीन बचाने का आंदोलन होगा।